हेलो एवरीवन, सो जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू हाउ टू ब्रश योर टीथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सी एवरीवन, ईच वन ऑफ अस, हम बहुत अच्छे से ब्रश कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी गम्स की प्रॉब्लम, टूथ की प्रॉब्लम क्यों आती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि हमारी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है. तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव विद द ब्रश एंड ऑन द कास्ट आई विल टेल यू कि प्रॉपर ब्रशिंग करनी कैसे है. सो इट्स वेरी सिंपल, हम 3 to 4 टीथ एक टाइम पे लेंगे. अपने ब्रश को 45 डिग्री के एंगल्स पे हम ऐसे रखेंगे, आधा गम्स पे और आधा टीथ पे. उसके बाद हम ये ऐसे इसको वाइब्रेटरी स्ट्रोक्स देंगे 15 to 20. फिर जब हमने वाइब्रेटरी स्ट्रोक्स दिए, उसके बाद हमारा ब्रश ऐसे दांतों के ऊपर से नीचे तक ऑक्लूजल सरफेस की तरफ से बाहर आता हुआ, सो दैट जितना भी खाना डेब्रिस यहाँ पे फंसा हुआ है वो सारा ऐसे ब्रिसल्स के साथ नीचे आता रहेगा. सो लाइक दिस 3 to 4 टीथ हम लेते रहेंगे. इम्पॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, अंदर की साइड मिस कर देते हैं. सो ऑन इनसाइड आल्सो यू विल ब्रश योर टीथ लाइक दिस. और जो आगे वाले दांत है, इसके लिए हम ब्रश का सिर्फ ये जो आगे वाला पार्ट है वर्टिकली हम ब्रश को प्लेस करेंगे और 3 to 4 टीथ ऐसे रख के हम इसको रिमूव करेंगे. सिमिलरली अगर नीचे वाले दांत हैं, हम सेम वे में इसको ऐसे रखेंगे, वाइब्रेशंस देंगे और ऐसे इस टाइप से. प्लस अंदर वाले टीथ के लिए अगेन वर्टिकली वी विल प्लेस दी ब्रश एंड वी विल पुट आउट ऑल दी डेब्रिस लाइक दिस. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, द ब्रिसल्स शुड बी सॉफ्ट. और अगर आपको लगता है कि ऐसे आपके ब्रिसल्स फ्रे कर गए हैं और ये दूर दूर जा रहे हैं, तो आप अपना ब्रश चेंज कर लेंगे. सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन. थैंक यू.